इनमें पोलीमीन मैनी फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं इसमें. एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, हाइड्रोऑक्सलमीन, हाइड्रोऑक्सल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप भी इसमें आ सकता है. ठीक है, इनका कॉमन नेम है 10th क्लास, यू कैन कॉल देम एज शुगर्स. आप इनको शुगर्स कह सकते हैं. यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर. अगर इसका जनरल फार्मूला देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो होता है CnH2ON. यहाँ पे टेंथ क्लास मैंने वाटर का मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, बिकॉज नेम इंडिकेट कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, तो N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द किसके, अपना कार्बोहाइड्रेट्स के. तो यहाँ पे जो N की जो वैल्यू होगी वो 3 भी हो सकती है या 3 से ज़्यादा भी हो सकती है. अब अगर देखा जाए कंपोजिशन की बात की जाए, ये जो इनकी कंपोजिशन होती है किसकी बात हो रही है, टेंथ क्लास कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है. कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के. ठीक है, कभी कभार इसमें नाइट्रोजन भी एलिमेंट आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. अगर नाइट्रोजन आ जाए तो उस वक्त जो चीज़ बन जाती है डेट इज़ काइटिन, जो कि आपके पास इंसेक्ट्स वगैरह की बॉडी आ जाती है, और सम टाइम सल्फ़र के साथ आ जाता है. सल्फ़र अगर कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद है तो ये मिलकर बना देते हैं कैराटीन. और कैराटीन जो 10th क्लास कीप इट इन माइंड, ये जो कैराटीन होता है इट इज़ प्रेजेंट इन अवर नेल्स. जो आपके नेल्स बने हुए हैं ना, हाँ, दी नेल्स, जो ये जो नेल्स बने हुए हैं हमारे हाथों पैरों के जो नेल्स हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ कैराटीन. यानी कि कैराटीन में आपके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है. इज इट क्लियर? तो बात आ जाती है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखी जाए तो 10th क्लास इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू बेसिक 3 कैटेगरीज. नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, आप मोनोसेक्राइड्स की डिवीजन ले सकते हैं. फिर आप ओलिगोसेक्राइड ले सकते हैं. ओलिगोसेक्राइड याद रखें 10th क्लास, अमूमन ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है. और फिर आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, 3 किस्म की इनकी क्लासेज हैं. एक है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स. सेक्राइड्स का मीनिंग ही शुगर है. ठीक है, सेक्राइड्स, द मीनिंग ऑफ सेक्राइड्स इज द शुगर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जी मोनोसेक्राइड की वर्ड हिस्ट्री वगैरह, के मोनोसेक्राइड्स बेसिकली कहाँ से डिराइव हुए हैं. तो मोनो मीन वन, मोनो मीन वन, सेक्राइड मीन शुगर. यानी कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. यू आर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 10th क्लास, बी अटेंटिव. ये ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें वन जो होता है यूनिट ऑफ सेक्राइड इज अटैच. ठीक है, एक ही शुगर होता है इसमें, वन शुगर विल बी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द मोनोसेक्राइड्स. 10th क्लास मोनो मीन वन. मोनो क्या होता है, मोनो का मीनिंग होता है वन, और सेक्रॉन मीन शुगर. ठीक है, तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो के बने हुए हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सल एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोऑक्सल कीटोन्स के, और आप इनको मजीद हाइड्रोलाइज या डिकम्पोज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हाइड्रोलाइज देम इनटू सिंपलर यूनिट्स, क्योंकि ये खुद ही एक यूनिट से बने हुए हैं. तो जो एक यूनिट से बने हुए हैं, जो एक किसी चीज़ से बने हुए हैं, वो मजीद किसी और चीज़ में ब्रेकअप कैसे